और साथ में पेटी भी बो जाएगी मेरी, बन जाएगी गाइज। ले पेटी ब्रूड मदर की बन चुकी है, ठीक है। कैसा बेटा, क्या हाल चाल? गीगा वाले बंदे, तेरी गीगा को भी मारू क्या रे ऐसे ही? What the hell? Once again इसने टेम कर लिया भाई ब्रूड मदर को। अच्छा इतना भाई पॉइंट भाई बहुत ज्यादा लग रहे हैं मेरे को इसके पास से। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग? और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। पिछले एपिसोड में थोड़ा सा गाइस ऊपर नीचे इधर उधर निकल गए थे हम लोग, एंड एलोसोरस के हाथों मारे गए थे गंदी तरीके से, बैड। इस बार अपन लोग जो है ना कैसे एकदम चवन प्राश खा के आए, इस बार जो ना कि हम लोग को कोई भी हरा नहीं पाएगा। बाकी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट से गाइस गामा मैंने 3 ही करा ना, गामा 3.1। हाँ भाई, तो गाइस जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। एनी के चैनल पे प्रैमल वेयर की एक सीरीज चालू हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, काफी ओपी सीरीज है। और आपको एक और बात में बताना भूल ही गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि गाइस यहाँ पे अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर पकड़ के चल लो, माइनक्राफ्ट, जावा, बेडरॉक, रस्ट या फिर कोई भी ले लो गाइस, मोबाइल या पीसी गेम का सर्वर अगर बना के अपने फ्रेंड के साथ खेलना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्रैडो सर्वर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बना सकते हो। चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक निट्रैडो सर्वर का। तो गाइस प्लानिंग क्या है अपनी, हमेशा की तरह वही प्लानिंग है, पुराने वाले उतरेंगे रेडवुड में, पकड़ेंगे थाइलो को, मचाएंगे तबाही। पिछली बार गेम अच्छा चल रहा था बट थोड़ा सा गेम ना लैगी था क्योंकि गाइस मैंने ग्राफिक इपिक कर डाली थी इपिक, बट इस बार मैंने ग्राफिक थोड़ी सी हाई पे रखी है और एफपीएस मेरे को 69 कितना एफपीएस दे रहा है देखो, 68-69 तक एफपीएस दे रहा है गाइस, 71 जा रहा है कभी कभी, तो काम हो जाएगा अपना। चलो गेम में से भाई 4 सेकंड में भाई चालू होने वाला है और इस बार भी हम लोग रेडवुड में उतरेंगे और मचाएंगे फुल टू द भाई। भाई ले लॉबी में क्राफ्ट कर लिया, रुको मार देता हूँ इसको भाई, लॉबी में मैंने स्पेयर क्राफ्ट कर लिया था गाइज, भाई लॉबी में चेप देता उस बंदे को मैंने, मतलब अगर टाइम होता तो मैं चेप देता गाइज, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो गाइज, अभी चलते भाई एकदम मस्त भी रेडवुड में। ड्रैगन किधर है? अरे यार फ्रोजन फैंग भाई, यहाँ पे तो पब्लिक उतर के ड्रैगन को पहले टेम करने वाली है, ड्रैगन तो अपने नसीब में नहीं लिखा है गाइज, ठीक है। लेकिन गाइज हम लोग किसी और डायनो को टेम कर सकते हैं भाई, एकदम फुल टू बादलों में से जा रहा है। अच्छा मैंने बादल जो ना गाइज वो कुछ ज्यादा ही रखे लग रहा है गाइज, भाई एकदम फुल टू देख रहे हो, बादल चादल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो ग्रीन ड्रॉप भी उतरते हैं भाई, फिर हमेशा की तरह आगे वाला ये वाला, आगे वाला ये वाला, ये वाला, ये वाले पे उतरेंगे गाइज, ठीक है, वहां पे उतरेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो भाई, वो ग्रीन ड्रॉप लेंगे, अगर किसी और ने लिया तो अपने पेटी बन जाएंगी और कुछ सीन नहीं है। हाँ इस बार थोड़े से एफपीएस बार बेटर है, ठीक है, इस बार थोड़ा सा स्मूथ गेम प्ले आप भी देख सकते हो, देखने को मिल रहा होगा आपको। ग्राफिक बता नहीं एपिक और हाई में क्या भाई उतना ज्यादा डिफरेंस है, समझ ही नहीं आता भाई क्या डिफरेंस है। लूट तो लिया तेरे भाई ने ड्रॉप, ठीक है, जिंदगी। अबे यार वो दे देना स्पेयर। हाँ हेलो कार्नो मैन, मैन ब्रियो, कार्नो ब्रियो वेयर आर यू मैन, मैन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर किलिंग हिम, व्हाई यू आर किलिंग दैट प्योर पर्सन, अ पुअर पर्सन नॉट प्योर भाई, आई नीड दैट पर्सन बट ब्रदर। इसको टेम कर लेता हूँ, एलोसोरस से अच्छा रहेगा गाइस थोड़ा सा। ओके चल मेरे बाबड़ी, आजा मेरे को थाइलो ढूंढना है भाई, ठीक है, मार को ढूंढना थाइलो, तो मेरे को तू थाइलो ढूंढ के देगा क्या? अरे देख, अरे नहीं यार भाई ये झंड जिंदगी है भाई, यार भाई, अरे तुम्हारी भैंस की टेट भाई सालो, शर्म करो, भगवान से डरो भाई, यार ये आके उंगली कर देते यार मेरे को, मतलब मेरा दिमाग का दही हो जाता है भाई, बहुत उंगली करने का काम करते गए जो लोग, मैं मेरा दिमाग घूम जाता है भाई। तू काहे मार रहा है, रुक जा ना, पॉइंट दे दे मेरे को, पॉइंट दे दे मुझे जाके थाइलो को टेम, अरे थाइलो को टेम करने लायक पॉइंट हो भी गए, वाओ दैट्स मिरेकल गाइस, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, थाइलो को भी टेम कर लेंगे, पहले इसको मार लेता हूं, उसके बाद थाइलो को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलेंगे गाइस, ठीक है। भाई साइड में मेरे को रेक्सवा दिख रहा है, रेक्सवा, ठीक है, और वहां पे पर्पल ड्रॉप हुआ भी दिख रहा है जो कि आया हुआ है ड्रॉप, यार थाइलो को लेके जाना पड़ेगा,
तो थोड़ा आगे चलता फटाफट से, कहीं थाइलो मिल जाए ना तो अपना भाई काम 25 हो जाएगा। यहाँ पे थाइलो के लेवल अप करने के लिए डायनोस भी काफी अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे। दे तू ये 400 मीटर दूर, मतलब किसी ने तो कुछ तो टेम कर लिया खतरनाक सा। बट अगर मुझे थाइलो मिल जाता है तो भाई एकदम जिंदगी अपनी सफल हो जाएगी। इस थाइलो और वॉट बंदर मामा को मार रहा है, बंदर मामा को मारता है, शर्म नहीं आती है भाई। एक हाथ तो थाइलो दिख जाए आज भाई, क्या आज रेडवुड में कोई थाइलो नहीं है? ए और ब्लू ड्रॉप ले लेता हूँ मैं भी, वहाँ पे गाइस कोई थाइलो के दर्शन हो जाए, मतलब हमको थाइलो मिल जाएगा गाइस वहाँ पे शायद। ठीक है यार, यहाँ पे रेडवुड में कोई तो बंदा है गाइस, हाँ उतरा तो जिसने पेटी बनाई है अभी अभी भाई, दूसरे बंदे की, अपनी नहीं दूसरे बंदे की। ठीक है लूट ले, आरोज मिल चुके हैं भाई, और कुछ तो खास दिख नहीं रहा यार। थाइलो मिल जाता ना एकदम जीवन सफल हो जाता। अबे तू टायर वन हो गया अदल भाई, इसको टायर वन करना भी नहीं था, टायर वन हो गया। अबे थाइलो अब तो आ जा भाई, ये टायर वन भी हो गया। व्हाट आर यू डूइंग थाइलो, अब तो दिख जा यार। मुझे ना लग रहा है इसकी थाइलो को ले भाई, आज अपन को रेडवुड में मिलने वाले सर हैं भाई। इतने पॉइंट दिखाई दे रहे ना गाइस मेरे को यहाँ पे, सच में भाई बहुत ज़्यादा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कितने सारे पॉइंट्स है गाइस यहाँ पे भाई, ये सारे भाई इसको मिल रहे गाइस यार। इससे अपना वो स्टेक भाई वो हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, मुझे इसको लेवल अप नहीं करना है। स्टेक वैसे है थाइलो कोलो की तरह ही काम करता है, इससे भग भी पाते, बट इसकी हेल्थ है ना थोड़ी सी गाइस कम होती है, इसलिए मेरे को स्टेक पसंद नहीं है भाई। हेलो भाई, मुझे ना लग रहा है इसके आज थाइलो कोलो मिलने वाला है। ठीक है थाइलो कोलो ढूंढते ढूंढते ही जो ना गाइस हमारा आधा जो है ना गाइस दिन निकलने वाला लग रहा है। बाकी जोन भी गाइस यहाँ पे जो ना गाइस अपोजिट साइड में, मेरे को स्टैमिना रिकवर कर लेता हूँ। और ना पता चला गाइस कोई भाई मेरा पीछा कर करके आ रहा है और मेरे पास भगने के लिए स्टैमिना नहीं है। और आपको बताइए गाइस स्टेक से जो ना गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे भगने में, अगर उसका स्टैमिना नहीं है तो। गाइस उस तरफ तो कोई थाइलो नहीं मिला, लेकिन इस तरफ थाइलो मिलने के चांसेस हाई है थोड़े से। ठीक है यार, वो पर्पल ड्रॉप लूटना था मेरे को, बट क्या करूँ भाई, पहले डायनो गाइस। ठीक है पहले थाइलो, रुको मैं थोड़ा आगे चलता, थाइलो अगर मिला ना तो उसको टेम करते हैं, अगर नहीं मिला तो नहीं भाई, नहीं मिला तो भाई ये स्टेक से तो कुछ ना होने वाला यार, स्टेक से कुछ भी नहीं होगा। ना 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 गाइस, ढूंढना पड़ेगा गाइस किसी भी कीमत पे थाइलो को। रुको गाइस रेडवुड में ढूंढते हम लोग थाइलो कोलियो को। अच्छा वो किसी बंदे से अपना पंगा नहीं हुआ अभी तक, वरना स्टेक और मेरी दोनों की पेटी बना देता। भाई डायनो की देत हुई है नीचे, यहाँ पे बंदे गाइस, नीचे डायनो की देत हुई है भाई। किसने मारा भाई, इसके पास भी स्टेग ही तो है, इसके पास भी स्टेग ही है, वो बंदे से पंगा ले रहा भाई। भाई आपस में लड़ लो, मैं आ जाता हूँ भाई, फिर आपस में लड़ लो। फ्लेम भी मैं आरो मार रहा है भाई, फ्लेम भी मैं आरो मार रहा है भाई। ऐसा कर लेता हूँ अपन टायर टूगा करके जाके भाई चांस पे डांस मार लेते हैं ना गाइस, क्या ना चांस पे डांस मारना चाहिए एक्चुअली में, समझ रहे हो गाइस, चांस पे डांस मारना चाहिए एक्चुअली में भाई, समझ रहे हो गाइस। रुको हाँ भाई, उड़ा 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 बंदे को उड़ा भाई। लो कैसा है बाबा, मेरा शिकार है, मेरा इज माइन, इज माइन। साले रुक, ये मेरा है भाई, इज माइन, इज माइन, ये मेरा शिकार है, मेरा शिकार है भाई, मेरा शिकार है, इज माइन, इज माइन, इज माइन भाई। भग रहा है बंदा, मेरा कूलडाउन लगा है, उसको कहाँ पता है कि मेरा कूलडाउन लगा हुआ है, वो बंदे को मार रहा है। 14 सेकंड का कूलडाउन है, 14 सेकंड का कूलडाउन है। एक काम कर ले, इसको 3 का कर ले, भेज क्या खा, कितना सेकंड का कूलडाउन है, भेज क्या देख तो हो गई बंदे की भाई, देख तो हो गई है, बट मेरा खुद का कूलडाउन लगा हुआ है। ठीक है हाँ मेरी जान, अब भी मजा आएगा ना वीडियो, कैसा है भाई। इसको डायनो ने नीचे उतार दिया भाई, इसको डायनो से नीचे उतार दिया भाई, बंदा भी है कि नहीं इसके ऊपर पता नहीं यार, बंदा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बंदे की पेटी बन चुकी है लग रहा है। बड़ो बंदे के पास भाई सामान तो बहुत तगड़ा वाला होगा, साला भागा कहाँ पे हो बंदा, बंदा कहाँ भागा गाइज, वायर इज दैट बंदा है
बंदा कहाँ पे गाइस? यार मेरे को डायनो को मारने से मेरे को बाबा जी का टुल्लू कुचना मिलने वाला है। मेरे को बंदे को ढूंढना है। मैंने अपने सारे पॉइंट इसके ऊपर वेस्ट कर दिए, इसको टायर 3 का करने के लिए, ताकि वो बंदों को मार के मैं भाई उससे भाई वो कंपाउंड बो क्रॉस बो कुछ तो फलाना ढिलाना ले सकूं। बट ले भाई अपनी पूरी किस्मत बताओ, अपन के नसीब में वो भी नहीं था। चलो भाई मेरे को थाइलो ढूंढ लेना है गाइस, जोन मूविंग। भाई मेरे को ना लग रहा थाइलो मिल पाएगा, मैं स्टेक के जरिए भाई नहीं जीत पाऊंगा भाई, मुश्किल है स्टेक के जरिए जीतना यार। नहीं गाइस मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता भाई, स्टेक नहीं चाहिए। रुको गाइस मेरे को रेडवुड में जाना पड़ेगा, मुझे मेरे को थाइलो लेके आना है गाइस। हाँ जोन भाई रेडवुड में आने में टाइम लग जाएगा, मैं जा रहा हूँ गाइस थाइलो को लेने के लिए। मेरे को थाइलो किसी भी कीमत पे चाहिए गाइस, ठीक है? भले मेरे को भाई कितना भी अंदर जाके भाई ढूंढना पड़े भाई रेडवुड में। रुको स्टैमिना रिजेन कर लेता हूँ भाई। इतने मैंने ड्रॉप लूटे, मेरे को क्या मिला? एक तलवार भाई, वो तलवार से किसका काटूं भाई मैं? हैं भाई फालतू की चीजें दिए जा रहे हैं यार लोगों को, क्रॉसबो रॉकेट लॉन्चर फटाना ढिलाना क्या क्या देंगे भाई। मुझे इवन फ्लेम एरो भी ना मिली अभी तक, बताओ कैसी झंड किस्मत है अपनी। अभी चलना भाई इसके मारने आ रहा, मेरे को डायनो से नीचे उतारने आ रहा है। रुको गाइस अभी हम लोग जो ना गाइस फटाफट से यहाँ पे चलते हैं थोड़ा और रेड वुड के अंदर, और उम्मीद कर रहा होगा इसकी वहां पे मुझे जो है ना गाइस थाइलो कोलियो जी सर जी के जो ना गाइस दर्शन हो जाएगा इस, ठीक है? ये क्या चीज है भाई, पता नहीं यार रैप्टर शैप्टर दिखाई दे रहे भाई बाढ़ में, जा रैप्टर शैप्टर भाई। मेरे को रैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, थाइलो नहीं है ना तो भाई तो आधी अधूरी जिंदगी लग रही है मेरे को। मेरे को थाइलो चाहिए यार ची भाई। गाइस कैसी किस्मत है अपनी भाई, जोन आने वाला है, जोन यहाँ पे टच करे उससे पहले गाइस मुझे थाइलो कोलियो को जो है ना गाइस टेम करना पड़ेगा भाई। थाइलो कोलियो टेम करने के लिए मिलना भी तो चाहिए, जोन आ रहा है गाइस धीरे धीरे करके आ रहा है भाई, काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है हमको। रुको गाइस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ गाइस मुझे थाइलो कोलियो कहीं पे मिलता है कि नहीं। यार जमीन पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पेड़ों पे तो एक भी थाइलो दिखाई ना दे रहा मेरे को तो। अरे यार तो थाइलो या बियर है, बियर लग रहा मेरे को, बियर लग रहा भाई, तो टेरर बर्ड है। अरे भाई यार एक आधी थाइलो कोलियो दे दो भाई, सच में भाई पूरे रेडवुड में एक भी थाइलो नहीं है। इतने बुरे दिन आ गए क्या? पूरे रेडवुड में एक भी थाइलो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को भाई, क्या एजेंट जिंदगी है भाई अपनी। भाई थाइलो के बिना थोड़ी सी दिक्कत तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं थोड़ा और अंदर जाता हूँ जोन। अरे यार जोन दिक्कत देगा। अरे लकीली भाई जाके मिल गया थाइलो को। इधर आ भाई, इधर आ भाई, इधर आ, जल्दी लग जा। हाँ बंटा है, और बंटा है क्या बोलती तुम? आ रहा भाई। यार तूने बहुत सताया भाई, इधर आ, इधर आ। अभी ढेलना दे इसको टेम करने के बाद कोई भाई मेरे को, क्योंकि इसकी लेवल काफी ज्यादा लो रहेगी। क्या हुआ मेरे को ऐसा क्यों आवाज आया कि जैसे भाई खतरनाक वाला कुछ डुम 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 ऐसा कुछ आवाज आया? अलग सा आवाज आया गाइस कुछ। 82 पॉइंट बाढ़ में जाए, 82 पॉइंट। इधर आ भाई तू टायर वन हो जा पहले। हाँ टायर वन हो जा, एक काम कर ले अभी टायर 2 का वो नहीं का भाई काम चालू कर। अरे भाड़ में जा भाई, रुको रुको इन लोग को मार के भाई टायर 2 का इसको करा देता हूँ। टायर 1 वाले का स्टैमिना जो ना बहुत ज्यादा घटिया होता है भाई, टायर 2 अगर हो गया तो कुछ कर पाएगा, वरना टायर 1 वाला तो भाई कुछ भी ना उखाड़ पाएगा। ठीक है इसको फटाफट से टायर 2 का कर लेता हूँ मैं। मैंने भाई ड्रॉप जो ना गाइस वो भी ज्यादा लूटे नहीं इस थाइलो कोलियो को ढूंढने के चक्कर में, बट एटलीस्ट गाइस हमको थाइलो कोलियो तो मिला एंड आई एम हैप्पी। और मेरे पास जितने भी सारे पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसकी लेवल अप करने में। जोन आ रहा है तो भाई मेरे को जोन में भी जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जोन में पहुंचते पहुंचते जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे इसकी लेवल अप करने वाले। आ जाओ भाई चीटिया बीटिया टेरर बिरर बर्ड फलाना ढिलाना बर्ड, जिसको आना है वो आ जाओ भाई और मेरे से मर के चले जाओ भाई। ठीक है भाई 80 पॉइंट है, 80 पॉइंट है। डाल 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 टायर 2 होने वाला है गाइस, टायर 2 होने वाला है। एक हाथ बड़े से डायनो को मार दूंगा ना मैं डायरेक्टली टायर 2 हो जाऊंगा, ठीक है? और उस बर्ड हाँ इसी को मार के टायर 2 हो जाता हूँ। चलो इसको मार के टायर 2 हो जाता हूँ। ओके कम ऑन जल्दी, कितना डैमेज आ रहा है मेरा? 119 का डैमेज आ रहा है गाइस, ठीक है 119 का डैमेज आ रहा है, नो प्रॉब्लम। एक ही डायनो को मारा है अभी तक, किल तो करना भाई अभी तक हमने चालू भी नहीं कराया गाइस। मार जल्दी, नाइस वन, टायर 2 हो चुका हूँ, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ इसको सीधा टायर 3 करने के बाद ही गाइस वो कर लूँ, हील कर लूँ। कितना दूर है जोन? अबे यार जोन आ तो रहा है नज़दीक यार, पॉइंट्स तो दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बट जोन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है गाइस, तो थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है। बट कोई ना देखते चलो, टायर 2 टायर 3 का होने के लिए मुझे काफ़ी सारे डायनोज को मारना पड़ेगा।
ब्रूड मदर टेम कर ली किसी ने। जोन कितना दूर है? पॉइंट डाल, अच्छा हील कर लेता हूँ पहले और पॉइंट डाल देता हूँ इसके, हाँ सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है जोन आ रहा है गाइज, मैं लेकिन इन दोनों को मार सकता हूँ जोन आने से पहले और जोन में निकल सकता हूँ, बट स्टैमिना भाई जल्दी जल्दी रिकवर होना चाहिए वरना मेरा आर्मर जो मैंने पहना हुआ है गाइज वो भी भाई यहाँ पे वो हो जाएगा गाइज, टूट जाएगा। ठीक है आ जाओ भाई यार, जोन तो है थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है अभी तक, थोड़ा सा दूर है। 84 पॉइंट आ चुके हैं भाई, टायर तो रिका हो जाएगा गाइज, नो प्रॉब्लम, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम ऑन नाइस। कितना दूर है भाई? हे भाई बहुत ज़्यादा दूर है अभी तक तो जोन। हेलो बेटी कैसे हो? चलो काम 25 डाल भाई एक्सपी पॉइंट, बस गाइज और तीन चार और बड़े बड़े डायरोज को मार लूँ टायर 3 हो जाऊँगा। पीटी स्वयं मरने के लिए आ रहा है मेरे से, रुको रुको मार देता हूँ भाई, मरने के लिए आ रहा है तो मार ही देता हूँ। ठीक है थ्योरी भी दिखाई दे रहे हैं जिनको मारने से एक्सपी थोड़ा सा अच्छा मिलता है। मर जा भेज के, मर जा भाई, मर जा तू भी मर। नाइस वन बियर सर, तुम भी मर जाओ। डेथ कहाँ पे हुई है? 1700 मीटर दूर। मुझे लगा भाई हमारे कुछ नज़दीक डेथ हुई है क्या। ठीक है भाई हो गया टायर थ्री भाई, ब्रोंटो को मार लूंगा ना। अबे नहीं यार पॉइंट भाई, टाइम नहीं, स्टैमिना रिकवर करना पड़ेगा, जोन मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है, स्टैमिना रिजेन कर लेता हूँ, रुको इसको टायर 3 का इससे कर लूंगा। ठीक है टायर 3 हो गया, मैंने डाल दिया गाइस रिजेन पे इसको। अरे साड़ो छोड़ दो ना भाई, पीछे देखो तो जोन आ रहा है भाई, मर जाएगा भाई, रुको जरा सब्र करो। ठीक है आराम से गाइस, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोन आ रहा है लेकिन कोई ना, स्टैमिना रिकवर करके जो ना गाइस हम लोग जोन में इजीली पहुंच सकते हैं। ओके तो गाइस थाइलो को भी मिल गया और जोन टच होने से पहले हम लोग ने इस थाइलो को जो ना गाइस रेडवुड के अंदर भाई लेवल 3 का भी कर दिया है। और गाइस मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि मैं अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस कुछ पॉइंट्स यहां पे इकट्ठा भी कर सकता हूं रेडवुड में। ठीक है अबे चिंदी चोर भाई, चलो लेट्स गो पहले जोन में चलता हूं भाई, जोन तो बहुत ही ज्यादा दूर है यार, रस्ते में अगर भाई फाइट बीट हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। रुक जाओ भाई नदी क्रॉस कर लेता हूँ फटाफट से, रस्ते में फाइट बीट हुई तो भाई दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ओके ये नदी क्रॉस कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे पहाड़ पे। ओके भाई ब्राय बीएनएक्स भाई वो ना दे दे, वो बंदा जो गाइस आप जिस बंदे का मैंने डायनो मारा ना, वो बंदे को ब्रायनिक्स ने क्या तगड़ा वाला दिया भाई, ब्रायनिक्स ने नहीं दिया एक्चुअली, मैं उसको वो माइक्रो या मेगा रैप्टर होता है ना उसने चुम्मी दे दी बेचारे ने, तो भाई बेचारे की भाई बैंड बच गई यार। लेकिन गाइस हमारा भाई उसमें फायदा हुआ क्योंकि हमको एक किल मिला वहाँ पे। चलो अभी तो गाइस थाइलो को लेके सीधा जोन में चलते हैं और थोड़े एक दो ड्रॉप लूटने पड़ेंगे, कंपाउंड को एक बार मिल जाए ना फिर गाइस बंदों को उंगली करना चालू। ठीक है हाँ अगर कोई छोटी मोटी सी आर्मी दिखाई देती है तो उनको भी मारने का काम अपन कर लेंगे। पॉइंट तो 230 है जिससे मैं हील कर सकता हूँ अपने डायनो को ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो अभी जोन में निकल लेना है गाइस। ठीक है चलो गाइस जोन की तरफ चलते हैं, सामने ग्रीन ड्रॉप दिखाई दे रहा है उसको भी लूट लेता हूँ। ओके गाइस लेट्स गो। ओए किसी ने ग्रीन ड्रॉप लूटा, वेट अ मिनट दैट्स सरप्राइजिंग ब्रो, मतलब कोई तो जोन में जा रहा है गाइस 300 मीटर दूर से। रुक जाओ गाइस, जिसको धड़ डाला तो लाइफ जिंदा लाला गाइस, क्या लेके जा रहा है वैसे ये बंदा लेके क्या जाएगा गाइस अगर जोन में जाना है उसको तो। भाई भगना भाई चमन नहीं छाप, रुक जा यहाँ पे ड्रॉप लूटा बंदे ने, जोन में जाना है तो ऊपर चढ़ेगा वो, सिंपल सी बात है ना गाइस, जोन में जाना है तो ऊपर चढ़ेगा वो, थाइलो है उसके पास भी लेवल 3 का भाई। ठीक है गाइस, ठीक है ग्रीन ड्रॉप लूटा है, मेरे को ये वही बंदा लग रहा है स्टेक वाला जिसको मैंने पहला था, इसने लेवल 3 का अपने थाइलो को कर लिया है। ठीक है एंड क्या है मेरे को मारने का इंतजार कर रहा है आप, इसको पता ना ये भाई पॉइंट हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है मेरा स्टैमिना रिजन कर लेता हूँ, अगर इसने अटैक करा तो थोड़ा सा भगना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास गाइस कोई वेपन नहीं है, समझ रहे हो गाइस कोई वेपन नहीं है। इसके पिछवाड़े पे भाई अटैक कर दिया मैंने जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि थाइलो कोलियो जो है ना गाइस वो 1v1 में ज़्यादा काम आते हैं, मतलब मुँह के सामने जो है ना गाइस भाई ये थाइलो कोलियो को टेम करे इससे पहले। रुक जाऊं भाई तेरा नाम भी दिखा देता है, ऐसे टारगेट करने से जो ना गाइस काफी ज्यादा फायदा होता है पता है आपको भाई, इजी पीजी ब्रो लेट्स गो बॉयज। इसके पास क्या था फ्लेम एरो थी गाइस, चलो गाइस लेट्स गो
भाई थाइलो को लेकर मार दिया। थाइलो को लेकर अगर पीछे से अटैक करते हो ना तो भाई खत्म, थाइलो खत्म गाइज। थाइलो जो है ना गाइज, मुंह के सामने से अगर उसको अटैक करोगे तो दिक्कत देगा, और ना ऐसे दिक्कत नहीं देगा। सामने कोई तो है, ये चीज है क्या गाइज, ये चीज है क्या, समझ ना आ रहे। बट मन कर रहा है जाने का देखने के लिए। अरे स्टेग मैडम जी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे जंगल में, मंगल कर रहे हो क्या? अरे बाप रे, ये तो भाई जादू की झप्पी मार रहा भाई। अरे ये कौन सी छलांग मारी इतनी भाई ऊंची वाली। हेलो सर, उसकी पूरी टीम मेरे पीछे पड़ गई है, कैसा है बाबा? अरे 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 अरे, हेलो सर, उसको चेप डाला अपन ने गाइस, नो प्रॉब्लम। स्टेक भाई रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है क्या? मेरे को लग रहा है सोच रहा है वो रिटर्न आने का। 500 मीटर दूर दे तू ही है, जोन के बाहर से स्टिल बंदे आ रहे। और वंडा है, क्या बोलती तुम, मार खानी किधर को, मार खानी तेरे को। अच्छा निकल ले भाई, मेरा क्या जाता भाई इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जोन के बाहर जाके मर ले भाई। अपन को गया भाई, अपन को गया बताओ, जोन के बाहर जाके मर ले भाई, नो प्रॉब्लम। पर्पल और रेड ड्रॉप की गाइस यहाँ पे खान है भाई पूरी, देख रहे हो गाइस, पर्पल और रेड ड्रॉप की पूरी खान है गाइस यहाँ पे भाई। उंगली करेगा, इसको लगा वो उंगली करेगा और बड़ा डायनो मेरे पीछे पड़ेंगे। भग जा, चल भग जा, निकल ले, जा जा निकल ले भाई, आराम से पॉइंट हार्वेस्ट कर लूँगा यहाँ पे, बाढ़ में जाएगा इसे भाई, आराम से पॉइंट हार्वेस्ट करते रहूँगा, जाने दो गाइस। 700 पॉइंट तो हो चुके, मैंने कहा उंगली करावे तुम लोग को, साड़ो चवन्नी छाप लोग। ड्रॉप लूट लेने गाइज मेरे को, ठीक है? ड्रॉप आ रहे पर्पल और रेड ड्रॉप लिए बिना तो मैं ना जाने वाला गाइज यहाँ से। जोन के बाहर कोई तो मरा था, मतलब जोन के बाहर से कोई आ रही है क्या टीम? आ रही होती तो दिखाई देती गाइज, डेथ तो हुई थी भाई किसी की, लग रहा है किसी बंदे की डेथ हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पर्पल लूंगा, वो रेड लूंगा, फिर सीधा जोन में गाइज, ठीक है? जोन के बाहर थोड़े से ड्रॉप लूट लेता हूँ। ओके गाइज, आ जाओ प्ले मारो, ये देखते हैं इसमें क्या मिलता है गाइज हमको। ये क्विज़ल भाई इन लोगों ने क्यों डाला है मेरे को पता नहीं, ना कोई आसमान में जाके इस क्विज़ल को मार सकता है, ना कोई चोर कर सकता है, समझ नहीं आ रहा गाइज इन लोगों ने क्विज़ल क्यों डाला हुआ है यार। वो देखो गाइज उड़ रहा है गाइज क्विज़ल ऊपर आसमान में, पता नहीं क्यों डाला हुआ है। आ जाओ चलो गाइज, ड्रॉप आने तो ड्रॉप आने तक का इंतजार करते हैं। जोन कहाँ पे गया है? हाँ जोन काफ़ी बढ़िया जगह पे गया है वैसे, वहाँ पे भाई थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है तो थाइलो को लो भाई थोड़ा सा फायदे में रहेगा। ओह देयर इज अ रेड ड्रॉप ऑलरेडी नीचे कमिंग कमिंग, ओ नीचे कमिंग कमिंग वाला रेड ड्रॉप है वहाँ पे। फालतू चीज, फालतू चीज गाइस, फालतू चीज। ये बंदा आ रहा है भाई यहाँ पे, बंदा आ रहा है जा रहा है समझ ना आ रहा। कंपाउंड बोर, रॉकेट लॉन्चर दोनों चीजें मिल चुकी है क्या मेरे को? शायद से यस गाइस, ये वाला ड्रॉप भी लूट लेता हूँ। हाँ कंपाउंड बो गाइज और रॉकेट लॉन्चर दोनों मिल चुके हैं गाइज, काम 25 हो गया। अभी सीधा जोन में निकल रहा हूँ क्योंकि जोन चालू हो चुका है गाइज, ठीक है? चलो काम 25 हो गया हमारा, चलो गाइज जोन में चलते हैं। अभी रुक जाओ गाइज, थोड़े से कंपाउंड बो क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड रॉकेट लॉन्चर रिलोड मार देता हूँ। भाई एक ही ड्रॉप में दोनों चीजें मिल गई गाइज, अच्छी बात है गाइज। चलो लेट्स गो, ये क्राफ्ट कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, ये कंपाउंड बो हाथ में ले लो। रॉकेट लॉन्चर जो है ना गाइज वो उतना काम आते हुए मैंने देखा नहीं है यार, मतलब उसका क्लोज रेंज में मारेंगे ना तो खुद भी पड़ जाते हैं वो रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ। वो थोड़ा सा जो ना डिसएडवांटेज लगता है मेरे को रॉकेट लॉन्चर का, बाकी तो कोई सीन नहीं। वो रेंडियर वाला बंदा ना हर एक ड्रॉप लूटे लूटे जा रहा है भाई, सारे ड्रॉप लूट लूट के जा रहा है। 15 बंदे का स्टिल बचे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से लोगों ने कितनी कितनी बड़ी वाली आर्मीज भाई यहाँ पे बना के रखी होगी। ओके हमारे किल भी गई उतने ज़्यादा कुछ हुए नहीं गई जिस वाले गेम में। ग्रेनेड बना लेता हूँ और वो वाले बम बना लेता हूँ, ये काम आएंगे गई एंड जोन में। 10 बम, ठीक है चलो, और कंपाउंड बहुत में ले ले, ठीक है चलो आ जाओ। लेट्स गो बॉयज, चलते हैं अभी फटाफट से, यहाँ के सारे ड्रॉप लूट ले। यहाँ पे कितने ड्रॉप गिरे थे पता है आपको गाइज? भर भर के ड्रॉप गिरे थे, सारे ड्रॉप उस बंदे ने लूट लिया। रुको गाइज थोड़ा सा जो है ना गाइज यहाँ पे, हाँ आराम से। अभी दे तू ये भाई डायनो की 500 मीटर दूर, समझ ना आ रहा यार ये जोन के बाहर कैसे मर रहे डायनोज, किसी ने तो ड्रैगन टेम कर लिया गाइज। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, चलो ड्रैगन टेम कर लिया, 1500 मीटर दूर दे तू ये। अभी गाइज हमको जाके भाई बंदों को पेलने का काम करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लूट बीट हो गया, अभी जो है ना बंदों को ढूंढ के पेलना है और ड्रैगन से भाई दूर थोड़ा। ये रेंडियर वाला बंदा अभी तक है यहाँ पे भाई, बेस क्या भाई, ये रेंडियर वाले बंदे को मारने का मन कर रहा है भाई। अरे क्या करे भाई, नहीं मार सकते ना गाइज इसको, रिजेन डाल देता भाई, भग जाता है गाइज ये रेंडियर ना।
रेंडर जो ना कहीं जो भाई थाइलो से ज्यादा स्पीड में भग सकता है भाई। देखो कैसे जंपे विम्पे मार मार के भग रहा है गाइस रेंडियर। चलो कोई ना, चलते गाइस अभी आगे चलते और किसी और बंदे को ढूंढते हैं, ठीक है। जिसके पास थोड़े से स्ट्रांग डायनो होंगे चल जाएगा। एक एक करके घूम घूम के थाइलो से मैं उसके पहले डायनो उड़ाऊंगा, उसके बाद मेन बंदे को उड़ा दूंगा, ठीक है। बंदे कहाँ पे हो सकते हैं? अब ब्रूड मदर और भाई मुझे लग रहा है ड्रैगन की लड़ाई चल रही है, या तो एक ही बंदे ने ब्रूड मदर और ड्रैगन दोनों चीज़ें टेम कर रखी है, ठीक है। चलो देखते हैं गाइस बंदे कहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने गाइस एक ब्लू ड्रॉप दिखाई दे रहा है। चलो गाइस चलते गाइस पानी क्रॉस कर लेता हूँ। ओह ड्रैगन आ रहा है इधर। ओह ड्रैगन ने ब्रूड मदर की बैंड बजा डाली गाइस, ड्रैगन ने ब्रूड मदर की बैंड बजा डाली। इसका मतलब ड्रैगन की हेल्थ भी काफ़ी कम होगी। यार ड्रैगन भी मारा गया? ड्रैगन मारा नहीं गया अभी तक गाइस, ठीक है। बट उसकी हेल्थ कम होगी क्योंकि उसने ब्रूड मदर से फाइट ली है। तो गाइस ड्रैगन अगर हम पे अभी हमला कर भी देता है तो भी गाइस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी हेल्थ कम है तो हम उसको डाउन कर पाएंगे। हाँ बस वो ड्रैगन वाले बंदे की आर्मी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। ड्रैगन इज डेड ब्रो, ड्रैगन इज ऑल्सो डेड ब्रो। ओ ना ब्रूड मदर इज स्टिल अलाइव, मे बी आई थिंक ब्रूड मदर स्टिल अलाइव ब्रो। ब्रे अबे यार हिडन लेक पे आ गया मैं। वाह गाइस हिडन लेक पे आ गया अपन। 300 मीटर दूर दे तू ये भाई, तो देखना बनता बाबा। 300 मीटर दूर दे तू ये भाई, काफी नजदीक है। रिजन डाल देता हूँ। ओके ये ऊपर चढ़ने के लिए, अबे चढ़ना, हाँ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। स्टैमिना रिजन करके रखता हूँ इनकेस अगर गाइज। हाँ स्टैमिना रिजन। अब ब्रूड मदर स्टिल जिंदा है, ब्रूड मदर स्टिल जिंदा है गाइज, ठीक है। ओके स्टैमिना पे भाई अभी अब से अपन ध्यान दे देंगे। अरे यार बंदे हैं यहाँ पे, बंदों की आर्मी कौन सी वाली जरा एक बार देख लीजिए। इट्स ब्रूड मदर आर्मी, ओह दैट्स कूल। ब्रूड मदर को उंगली करना तो अपना अपन को आता बाबा। आ जा ब्रूड मदर जी, गीगा लेके आया बेटा, गीगा लेके आया। पैसिव कर ले अपने ब्रूड मदर को, पैसिव कर ले। ब्रूड मदर क्या डिओडन से हील होती है क्या गाइस? पता नहीं गाइस। लेके जा रहा क्या, लेके जा रहा क्या? अरे भग रहा है, क्या है, कहाँ भग रहा है बाबा, कहाँ भग रहा है? ब्रूड मदर तो इसकी खा के रहूँगा गाइस। टाइटन किलर तो तुम्हारा भाई है, लेकिन आज से तुम बोलोगे भाई तुम्हारा भाई है ब्रूड मदर किलर। और इसने ना गलत जगह पे अपनी ब्रूड मदर को लाया है। खत्म भाई इसकी ब्रूड मदर, खत्म गाइस इसकी ब्रूड मदर ही खत्म। बेटा मन में लड्डू फूटा, तेरी ब्रूड मदर लुढ़क गई बेटा। नीचे नहीं जाना, भावना में बह के ज़्यादा नीचे नहीं जाना है गाइस। गलती से भी अगर मैं नीचे गिरा ना तो भाई मेरे को जो है ना गाइस दिन में तारे दिखाई देंगे और साथ में पेटी भी बो जाएगी मेरी, बन जाएगी गाइज। ले पेटी ब्रूड मदर की बन चुकी है, ठीक है। कैसा बेटा, क्या हाल चाल? गीगा वाले बंदे, तेरी गीगा को भी मारू क्या रे ऐसे ही? व्हाट द हेल, वंस अगेन इसने टेम कर लिया भाई ब्रूड मदर को। अच्छा इतना भाई पॉइंट भाई बहुत ज्यादा लग रहे हैं मेरे को इसके पास से। हाँ भाई हम लोग ब्रूड मदर को वापस से टेम कर सकते हैं। ये कब आ गया अपडेट, ये कौन से अपडेट में आया ये चीज? नहीं कर ले भाई, कर ले कर ले। भग क्यों रहा ये, जबकि अपने आर्मी से मेरे को मार सकता है गाइस, समझ ना आ रहा भाई भग क्यों रहा है गाइस ये, जबकि ये मेरे को मार सकता है अपने आर्मी से। ला 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 भाई, इससे पहले भाई अटैक करके ये अपन को मार डाले। निकलने दो निकलने दो निकलने दो भाई, निकलने दो निकलने दो गाइस यहाँ से। यहाँ किसकी पेटी बनी है? भाई ये थाइलो ने उस भाई बंदे के डिओडॉन को पेल डाला। अच्छा थाइलो को ले भी उसको उंगली कर रहा था भाई। थाइलो को ले को बहुत ज़्यादा उंगली करने की आदत होती है यार, ये मेरी तरह ही थाइलो को ले लग रहा है। उंगली बाज गाइज, थोड़ा सा उंगली बाज लग रहा है गाइज। भाई जो फ्लेम एरो मार रहा था ना गाइज, ये वाला वो थाइलो था, वो मैं मार रहा था गाइज उसको, वो वाले एरो कंपाउंड वो मार रहा था डायरेक्टली, और ये फ्लेम एरो डाल रहा था। पॉलीमर की थोड़ी सी कमी है गाइज, पॉलीमर की थोड़ी सी कमी है भाई अपन को। क्यों साथ में क्या आ रहा है कंपाउंड वो, नाइस वन। चलो आ जाओ भाई, ब्रूड मदर तो आज मर के रहेगी गाइज, ब्रूड मदर तो भाई आज मर के रहेगी। किधर है ब्रूड मदर? घूम के लेके जा रहा है ब्रूड मदर को भाई, देख रहा हूँ इधर से गई से लेके जा रहा ब्रूड मदर को गाइज।
भाई ब्रूड मदर मतलब बॉसेस को जो मरे हुए होते हैं उनको वापस से टेम कर सकते हैं, ऐसा मेरे को अभी तक पता नहीं था। इस गेम में ही पता चला है कि अगर अपन के बॉसेस मर जाते हैं तो फटाफट से वापस से आर दबा के मैं उनको टेम कर सकता हूँ और उनके हेल्थ पुल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये मेरे को पता नहीं था। देखो गीगा से और ब्रूड मदर से पंगा लेना है, सिंपल सी बात है, हाइड पे रहो, हाइड का एडवांटेज होगा अपन को, हाइड का एडवांटेज होगा गाइस अपन को, ठीक है। अगर हाइड पे नहीं रहूंगा तो बंदा जरूर मार देगा। ओ नाइस वन, ये देत करे जा रहा है, उसके बंदों को मारे जा रहा है। अच्छा उसके स्पाइडर्स को मारे जा रहा है यार, ये स्पाइडर्स को मारे जा रहा है। ठीक है। ऑल राइट गाइस, नो प्रॉब्लम हो। आधी तो हेल्थ इसके ब्रूड मदर की करिए डाली अपन ने। लग गए लोले क्या? निकल लो भाई। दिखा क्या बे? साढ़े देर को दिख गया क्या? अबे लग गए लोले। अब भाई मर गया भाई। इसके स्पाइडर्स ने चिप डाला यार जी भाई, मुझे पता नहीं था इसने स्पाइडर्स डाले हुए अपने। अरे भाई क्या किस्मत है यार अपनी, क्या जड़ किस्मत है यार जी भाई। पीछे से इसके स्पाइडर्स आए, ये स्पाइडर्स डाल के जा रहा था, इसके स्पाइडर ने मेरे को स्लो करा एंड उसके बाद तो गाइस आपने देखा है गाइस हमारी क्या हालत हुई यार। भाई दोनों मैच में बहुत गंदी तरीके से मराओ भाई, उंगली करने जा तो रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा सेफली जाना पड़ेगा गाइस इस बार से, ठीक है, वरना गाइस ऐसी बैंड बजती रहेगी। ज़्यादा डायनोस नहीं थे अच्छे वाले भाई, यूटी ब्रायनिक्स बेनिक्स था, गीगा वाले अकेला बंदा था यार जो उंगली कर सकता था, अगर मैं बच जाता ना जीतने के चांसेस तो थे भाई, बट क्या करेगा गाइस उंगली करने के चक्कर में लुढ़क गए। कोई ना गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए तो चले ये वाला एपिसोड ये पे ख़त्म करते हैं, हमारी डेथ के साथ ही एपिसोड ये पे ख़त्म होता है गाइस। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.